अस्सलाम वालेकुम। हाय यूट्यूबर, वेलकम बैक टू सेवल टेक्नोलॉजी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू परफॉर्म विंडोज, विंडोज को कैसे परफॉर्म किया जाता है। व्हाट इज विंडोज, विंडोज क्या है? विंडोज एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इस ग्राफ के जरिए हम विंड की स्पीड, डायरेक्शंस एक पार्टिकुलर लोकेशन के लिए एक खास टाइम पीरियड में मालूम करते हैं। सपोज ये राइट साइड पे जो एक डायग्राम बना हुआ है, ये विंडोज डायग्राम है। इस डायग्राम को हम रनवे एफिशिएंसी के लिए यूज करते हैं। इसको बनाया कैसे जाता है? सपोज मेरे पास एक प्रोपोज्ड एरिया है एयरपोर्ट के लिए और इस पे मैं एयरपोर्ट बनाना चाहता हूँ, तो इसमें मैं एक रनवे भी बनाऊंगा। तो उस रनवे के डायरेक्शंस बनाने के लिए सपोज मुझे कौन से साइड से रनवे चाहिए, विंड्स के डायरेक्शंस नॉर्थ से ईस्ट तक ज्यादा है, कौन से साइड पे ज्यादा, तो इसके लिए मैंने सिंपली एक विंडोज बनाना है। विंडोज हम कैसे परफॉर्म करेंगे? तो इसके लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हम फास्ट 10 ईयर या 15 ईयर का डेटा लेंगे और इस डेटा के बेस पे हम अपना विंडोज परफॉर्म करेंगे। अब जानते हैं कि विंडोज को कैसा बनाया जाता है। सपोज सबसे पहले मेरे पास एक फाइंड है, इसको मैंने एक नेम से रिप्रेजेंट किया। सपोज मैंने इसको ए दिया। अब इस फाइंड पर मैं कंपास डायरेक्शन मैंने शो की है और इस एक फाइंड ए पे एक मखसूस टाइम पीरियड पे स्पीड और डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है। ये आपका डायरेक्शन है और यहाँ पे आपका ये स्पीड है। तो यहाँ पे 0 डिग्री से 30 डिग्री तक स्पीड जो है 11 यूनिट्स है और इसी तरह 30 डिग्री से 59 डिग्री तक 9 यूनिट स्पीड है, 59 डिग्री से 91 डिग्री तक 3 यूनिट स्पीड है। ये स्पीड जो है मीटर पर हावर। इसी तरह 120 से 150 डिग्री तक 6 यूनिट स्पीड है और 180 से 219 डिग्री तक 8 यूनिट स्पीड है और लास्ट में 270 से 300 डिग्री तक 4 यूनिट स्पीड है। अब मैं इस कंपास डायरेक्शंस को सब पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ और इसके बाद अब इस पे मैं ग्रेडिंग करना चाहता हूँ। सपोज यहाँ पे मेरा नॉर्थ से 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90 है, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 एंड 330। कॉमन दी होल सर्कल बेरिंग्स क्लॉक्स डायरेक्शंस में होता है। अब यहाँ पर जो ग्रेडिंग मैंने की है ये डायरेक्शंस के लिए की है। ये जो रेडियल लाइन है ये डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं स्पीड के लिए ग्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो स्पीड के लिए जो ग्रेडिंग मैं करूँगा वो कंसेंट्रिक सर्कल से मैं करूँगा, कुछ इस तरह। या फिर अगर देखा जाए तो इस डायरेक्शन स्पीड में, इस टेबल में सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो 11 यूनिट्स है। तो यहाँ पर मैंने जो रिप्रेजेंट करना है ये जो सर्कल है इसी के हिसाब से मैंने इसको रिप्रेजेंट करना, या फिर ग्रेडिंग जब मैंने करनी है तो इसी के हिसाब से करना है ताकि 11 इसके अंदर आ जाए। तो सपोज या फिर सेंटर से ये इस सर्कल तक जो पहला वाला सर्कल थे इसको मैं 3 यूनिट लेता हूँ और इसके बाद यहाँ तक ये 3 यूनिट है तो यहाँ तक दूसरे सर्कल तक मेरा बनेगा 6 यूनिट और इसी तरह तीसरे सर्कल तक ये 9 बन जाएगा और इसी तरह जो चौथा और आखिरी सर्कल है इस तक ये 12 बनेगा, कुछ इस तरह। अब मैं चाहता हूँ कि डायरेक्शंस में नॉर्थ से 30 डिग्री तक, जीरो से जो 30 डिग्री है इस पे, इस एरिया पे
जो विंड स्पीड है सबसे ज़्यादा स्पीड 11 यूनिट्स है वो इस एरिया पे है। तो 3, 6, 9 और कुछ हो ये 12 बनता है यहाँ तक और कुछ इतना ही मेरा 11 बनेगा। तो इसको मैं शेड करना करता हूँ। अब इसके बाद जो है 30 से 59 यहाँ से यहाँ तक जो है मेरा यूनिट्स जो है स्पीड वो 9 है तकरीबन, ये इस सर्कल के ऊपर तक है। तो इसको मैं यहाँ तक शेड करना चाहता हूँ, इसको यहाँ तक मैं शेड करूँगा कुछ इस तरह। और इसके बाद जो है 59 से 91 डिग्री तक यहाँ से यहाँ तक जो है ये 3 यूनिट्स स्पीड है कुछ इतना ही मैं सेट करता हूँ इसके लिए। और इसके बाद 120 से 150 तक इसमें 6 यूनिट्स का है स्पीड, तो यहाँ तक 3 यूनिट्स बनता है और यहाँ तक ये 6 यूनिट बनता है। तो यहाँ तक मैं सेट करता हूँ इसको। और इसके बाद जो है 180 से 290 डिग्री तक 8 यूनिट्स स्पीड है, यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड है वो 8 यूनिट है। तो यहाँ पे 3 है 6 है और कुछ इतना ही मैं शेड करता हूँ। और इसके बाद जो है लास्ट जो है वो 270 से 300 तक यहाँ से यहाँ तक जो है वो 4 यूनिट स्पीड है तकरीबन कुछ इतना ही मैं शेड करता हूँ। तो इसी तरीके से आपका वैन रोज परफॉर्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।